हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। डिवाइड द पॉलीनोमियल px बाय द पॉलीनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। px में गिवन पॉलीनोमियल आपके पास px है, इसमें आपको gx का डिवाइड करना है। तो इससे पहले हमने जो डिवीजन एल्गोरिथम देखी थी, अब देखिए डिवाइड करने का रूल, हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम थी वो थी हमारे पास px इक्वल टू अ गिवन पॉलीनोमियल इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस रिमाइंडर, डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी डिवीजन एल्गोरिथम, px क्या है, गिवन पॉलीनोमियल, इट मीन्स डिविडेंड, जी एक्स डिवाइजर, क्यू एक्स कोसेंट एंड आर एक्स रिमाइंडर। तो पी एक्स में आपको जी एक्स का डिवाइड करके इस गिवन क्वेश्चन में कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। देखिए डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। गिवन पॉलीनोमियल डिविडेंड एंड डिवाइजर पावर के अकॉर्डिंग, डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ये पहले से अरेंज देखिए, मैक्सिमम पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इट मीन्स वेरिएबल की जो पावर है उसके अकॉर्डिंग, डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ये पहले से अरेंज है। डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम पावर माइनस 2। अगर डिसऑर्डर में आ जाए हमारे पास तो सबसे पहले उसे अरेंज करना होता है पावर्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट जो हमारे स्टेप। अब देखिए डिवाइड करने का रोल, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग टर्म से मतलब है दोनों, एक्स क्यूब में हम एक्स स्क्वायर के डिवाइड करेंगे, यार अपने एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर के डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो 1x बचे, इट मीन्स एक्स। तो इस एक्स को प्लस के एक्स को कोसेंट में राइट करेंगे, फर्स्ट टर्म से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, एक्स बचा हमारे पास, एक्स को कोसेंट में राइट किया। अब इसी एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके पावर्स के नीचे पावर्स राइट करेंगे। देखिए रफ में मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 2 को इस गिवन एक्स से जो डिवाइड करने पे आया है हमारे पास उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर को एक्स से देखिए पावर रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई होता है, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, बेस इक्वल टू पावर प्लस हो जाती है, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x, लेकिन पावर के नीचे पावर, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब पावर एंड एक्स के नीचे एक्स माइनस 2x, ऐसे हमें राइट करना होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, अपोजिट साइड प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए मैक्सिमम पावर को पहले राइट करेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर को पहले राइट किया हमने, प्लस प्लस 5x एंड प्लस 2x प्लस 7x एंड रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या है, माइनस 3, एज इट इज राइट कर देंगे इसको माइनस 3। उसके बाद रिपीट करना है उसी स्टेप को, स्टार्टिंग टर्म से मतलब है दोनों की स्टार्टिंग, इट मीन्स माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का डिवाइड करके देखेंगे कि आता है हमारे पास, x स्क्वायर का डिवाइड किया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया माइनस 3। इस माइनस 3 को कोसेंट में हम राइट करेंगे माइनस 3। अब माइनस 3 से एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जैसे पहले भी हमने जो डिवाइड करने पर टर्म्स आती है उसी से हम मल्टीप्लाई करके इसके नीचे राइट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 से, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 3x स्क्वायर। देखिए सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है, जब माइनस का साइन आ जाता है प्लस माइनस 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 प्लस 2 3 6। अब टर्म्स के नीचे टर्म्स को हमें राइट करना है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म एंड कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, वही अपोजिट साइन करते हैं, माइनस का क्या करना है प्लस, प्लस का क्या करना है माइनस, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाए। टर्म्स हमारे पास सबसे पहले 7x को राइट करेंगे, फिर देखिए ये भी माइनस 3 और माइनस 6, सेम साइन में प्लस होता है, सेम साइन में प्लस, 6 प्लस 3 9, माइनस का 9। अब देखिए
स्टार्टिंग टर्म से मतलब और स्टार्टिंग टर्म से मतलब। लेकिन इस केस में क्या हुआ, रिमाइंडर की जो डिग्री है वो डिवाइजर से क्या है, कम है। इट मीन्स डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, जिसे हम जी एक्स बोलते हैं, डिवाइजर ब्रैकेट में आप जी एक्स डिराइव कर सकते हो, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर इट मीन जी एक्स, जी एक्स से कम है तो आप आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो हमने पहले कंडीशन देखी थी। तो गिवन पॉलिनोमियल की कंडीशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, या तो ये ग्रेटर देन होनी चाहिए इससे और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल तक हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये लेस देन हुआ रिमाइंडर की डिग्री तो हम डिवाइड आगे नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्वोशेंट क्या है, एक्स माइनस थ्री, तो हम राइट करेंगे यहाँ पर हेयर क्वोशेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, जिसे आप क्यू एक्स भी बोलते हो, ब्रैकेट में आप राइट कर सकते हो क्यू एक्स, शॉर्ट में क्यू एक्स भी राइट कर सकते हो, एंड रिमाइंडर सेवन एंड रिमाइंडर जैसे आप आर एक्स भी बोलते हैं, रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, आर एक्स भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये आए हमारे पास सेवन एक्स माइनस नाइन, दैट इज आंसर। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो इस डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई क्यू एक्स, एक्स माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेवन एक्स माइनस नाइन, आर एच एस को सॉल्व करेंगे, एल एच एस आना चाहिए, इट मीन्स पी एक्स, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, तो इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। आपको चेक करके बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, लेकिन डिवाइड करके, जैसे इससे पहले हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर, जब रिमाइंडर डिवाइड करने पर जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो बच जाएगा तो इसका मतलब गिवन जो हमारे पास जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा, इस केस में जब रिमाइंडर जीरो बच जाएगा उस केस में। तो हम डिवाइड करके चेक करते हैं इसको, टू टी पावर फोर प्लस थ्री टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस नाइन टी माइनस ट्वेल्व, इसमें डिवाइड करना है हमें टी स्क्वायर माइनस थ्री। डिवाइड करने का रूल जैसे बेसिकली हमें पता ही पहले कि ऑलरेडी डिग्री से पावर के अकॉर्डिंग अरेंज है गिवन पॉलिनोमियल दोनों, डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों। तो स्टार्टिंग टर्म से मतलब हमें इसकी स्टार्टिंग टर्म्स और इसकी स्टार्टिंग टर्म्स में हमारे पास देखिए टू टी पावर ऑफ फोर में हम डिवाइड करके देखेंगे टी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या होगा, फोर में से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा टू टी स्क्वायर, डिवाइड करने पर फोर में से टू कैंसिल तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा टू टी स्क्वायर, इसको कोसेंट में राइट करेंगे जैसे पहले भी डिस्कस किया था। डिवाइड करने पर जो आया हमारे पास टू टी स्क्वायर, इसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे रफ में, टी स्क्वायर माइनस थ्री मल्टीप्लाई टू टी स्क्वायर, देखिए रफ में मल्टीप्लाई करें ताकि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए, टी स्क्वायर एक्सपोनेंट रूल लगेंगे, पावर टू बेस इक्वल है फोर हो जाएगी, पावर 2t पावर ऑफ 4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3 टू जा 6 टी स्क्वायर। अब देखिए टर्म्स के नीचे टर्म्स राइट करनी है आपको, जैसे पहले भी डिस्कस किया था हमने 2t पावर ऑफ 4 माइनस देखिए टी स्क्वायर वाले टर्म्स टी स्क्वायर के नीचे राइट करेंगे हम 6t स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करते हैं, अपोजिट साइन करते हैं, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले एक्सपोनेंट हमारे हम राइट करेंगे 3t³, बड़ी एक्सपोनेंट को पहले राइट करते हैं, फिर उसके बाद देख लीजिए क्या थोड़ी स्क्वायर वाली टर्म्स। अब देखिए माइनस ही होती है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, बड़ी वाली डिजिट कौन सी है हमारे पास 6, पॉजिटिव है तो प्लस का 4t² आएगा, याद है आपको प्लस माइनस के इसमें बड़ी वाली डिजिट का ही साइन लगाओ ऑलवेज,
और अपोजिट साइन में माइनस होगा और सेम साइन में प्लस होगा। अब रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या लेफ्ट हुई, माइनस 90 माइनस 12, माइनस 90 एंड माइनस 12 को एज इट इज राइट कर देंगे। अब इसके बाद वही प्रोसेस सेम रिपीट, स्टार्टिंग टर्म्स 3t क्यूब में t स्क्वायर में डिवाइड करके दे देंगे। 3t क्यूब में टी स्क्वायर में डिवाइड किया तो देखिए क्यूब में से टी स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिंगल टी बचेगा हमारे पास साथ में 3, इट मीन्स 3t प्लस का 3t, प्लस के 3t को यहाँ राइट कर देंगे, प्लस के 3t से इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे राइट करेंगे। 3t को टी स्क्वायर से किया मल्टीप्लाई, डायरेक्ट भी कर सकते हो, स्क्वायर एंड 1, इसकी पावर 2, इसकी 1, तो क्यूब हो गया। माइनस 3 को प्लस 3t से, माइनस प्लस माइनस 3t, 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 जा 9, टर्म्स के नीचे टर्म्स लिखनी है हमें, आप चाहो तो रफ में भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। इसके बाद अपोजिट साइड प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। मैक्सिमम पावर को पहले राइट करेंगे 4t स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो गया, माइनस का 12 लेफ्ट, इसको एज इट इज राइट किया हमने। फिर वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, 4t स्क्वायर में किसका डिवाइड करके देखेंगे, टी स्क्वायर, 4t स्क्वायर में टी स्क्वायर का डिवाइड किया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4 बचा हमारे पास, प्लस 4 को यहाँ राइट किया हमने क्वेश्चन में, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे रखेंगे। टी स्क्वायर को 4 से किया 4t स्क्वायर, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 3 4 जा 12, इसके बाद अपोजिट साइन करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, माइनस प्लस ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0। तो रिमाइंडर जब 0 बचा है इट मीन्स जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो एक लाइन आपको नोट करके लिखनी, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0 सो दैट जी फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर, सो दैट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल, सेकेंड पॉलिनोमियल, दैट इज आंसर।